Hi Farah, your Lamborghini STO is ready to drive. Oh my God, this is my car? Yes, yes. This enjoy is your so car. Amazing. It looks stunning. Yes. All we have is brand new. Amazing. Because we value our client, whatever super, they pay. So here is your key. Please. Thank you so much. Yes. Hi Farah, how are you? Welcome I'm to People of Faith Luxury Car Rental. Thank you so Please, much. Please, you're most welcome. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्त्रियाकाल, वेलकम टू माय चैनल फरा खान दिल्ली वाली। दुबई में जो लग्जरी कार का क्रेज़ है वो नेक्स्ट लेवल पर है। यहाँ पर लग्जरी कार का इतना शौक है लोगों को कि देखिए टेस्ला और मर्सिडीज जैसी गाड़ियाँ जो हैं वो एज अ टैक्सी चलती हैं और हर किसी की ख्वाहिश होती है कि जो दुबई की सड़कों पर वो लग्जरी गाड़ियाँ लेके एकदम रफ्तार में हवा से बातें करते हुए निकलें। तो आज इस व्लॉग में वो ख्वाहिश जो होती है लोगों की वो किस तरह पूरी हो सकती है, दुबई में आप लग्जरी गाड़ियाँ रेंट पर कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपके सारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं मोहसिन, जो हर चीज़ को बहुत ही अच्छे से व्यूअर्स को पहुँचाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे ले सकते हैं। तो मोहसिन, सबसे पहले आप ये बताइए कि दुबई में लग्जरी कार रेंट पर लेना कितना आसान है? इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है रन करने के लिए। इनको सिर्फ इतना डॉक्यूमेंट चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इज दुबई ड्राइविंग लाइसेंस एंड देन एमिरेट्स आईडी, जो यूएई में है। जो यूएई में नहीं है, विजिटर्स के लिए लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश किधर से भी आता है, उनको इंटरनेशनल ड्राइविंग की ज़रूरत है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, अभी इनको ये डाउट रहेगा इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस किधर से मिलेगा। एब्सोल्युटली, वो भी हम सपोर्ट करके उनको मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स के अंदर रेडी करके दे सकते हैं। वाओ, दिस इज सो अमेजिंग। कस्टमर को, किसी भी क्लाइंट्स को ईजी तरीके से सब कुछ डॉक्यूमेंट और कार का डिलीवरी हम सपोर्ट करके, फुल सपोर्ट करके अच्छा हम दे सकते हैं। बहुत आसान है, ईजी। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो मोहसिन, अगर मेरे पास इंडियन लाइसेंस है फॉर एग्जाम्पल, ओके, और मैं आपके इंडियन लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस है और मैं आपके पास आती हूँ कि मुझे एक कार रेंट पे चाहिए, तो आप फिर मुझे किस तरह से कार प्रोवाइड करेंगे वो आप बताइए। वही, आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट और इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस आप सबमिट करना है, तो हम उसको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ उसको चार्जेस अलग हैं, तो वो चार्ज करके हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस रेडी कर सकते दे सकते हैं और उनको रेंट भी कर सकते हैं गाड़ी। पूरा यूएई में घूम सकते हैं उस लाइसेंस में। वेरी गुड। सो देखिए, जो इंडियन लाइसेंस है वो आप इनको देंगे, वो फिर उसके बेस पर वो आपको इंटरनेशनल लाइसेंस बनाकर देंगे, जिसके लिए आपको कुछ पैसे देने होंगे। वो पैसे कितने होंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगी। एंड दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल, इजी, सेफ एंड प्रोफेशनल, एंड यू कैन गेट योर इंटरनेशनल लाइसेंस इन वन डे। वन डे, यस, मैक्सिमम वन डे। और फिर उसके बाद आप दुबई की सड़कों पर घूम सकते हैं। घूम सकते हैं कहीं भी, यस, एग्जैक्टली। पर एक और चीज़, अगर जो भी आउटसाइड कंट्री से आता है इधर और ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लेके आए, तो उनको वो ओरिजिनल लाइसेंस का कॉपी स्कैन हमको सेंड करना है कि हम उसको यूज़ करके डॉक्यूमेंट के लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रेडी कर सकता है। वेरी गुड। लेकिन वो ओरिजिनल होना है, बस ओरिजिनल होना, ओरिजिनल लाइसेंस का स्कैन, स्कैन कॉपी। सो मोहसिन, ये जो इंटरनेशनल लाइसेंस का जो प्रोसेस है इसमें कितना टाइम लगता है और कितना कॉस्ट है इसका? इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का है तो उनको, कस्टमर को खुद भी कर सकते हैं, उनके पास अगर डॉक्यूमेंट है तो ये है, ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस एसोसिएशन IDPA इंफॉर्मेशन है इधर। अच्छा। हाँ, इधर जाके एप्लीकेशन में पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करके अच्छा उनको खुद भी कर सकते हैं। उसका चार्ज अगर अप्रूव के आ गया तो उनका चार्ज 250 to 300
350 भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम करके देगा तो थोड़ा चार्जेस एक्स्ट्रा होगा कंपनी की तरफ से। अच्छा, दिस इज द वेबसाइट इंटरनेशनल ड्राइवर्स एसोसिएशन, सो यू कैन फिल ऑल द इंफॉर्मेशन हियर एंड उसके बाद कितना टाइम लग जाएगा ये 1 आवर 2 आवर में हो जाएगा। 1 आवर 2 आवर में, तो ये आप खुद से भी फिल कर सकते हैं और अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पर आप, ये जो कंपनी है पीपल ऑफ फेट, यहाँ पर भी आकर आप बहुत सीन है, मुझे मिल सकता है और फुल सपोर्ट मैं करूँगा। अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं फुल कर सपोर्ट कर सकता हूँ रेंट करने के लिए। और ये डॉक्यूमेंट का पूरा हो गया अभी, तो नेक्स्ट उनको बुक करना है गाड़ी, तो वही डॉक्यूमेंट हमें फॉरवर्ड करना है, हम एक मिनट में गाड़ी बुकिंग करेगा और उनको कहीं भी बैठ के बुकिंग कर सकते हैं दुबई में फ्री डिलीवरी। और फिर उनको हैंड ओवर के टाइम पे डॉक्यूमेंट सिर्फ दिखाना है हमें, जो भी ड्राइवर या जो भी जाएगा उसको डिलीवरी करने के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंट उनको दिखाना है, तो वो उसको फोटो लेके गाड़ी हैंड ओवर करेगा। ये हो गया, बहुत प्रोसेस हमने बता दिया कि क्या है लाइसेंस, ये है। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, देखिए ये बहुत ही शानदार फरारी है, वाइट फरारी, अगर ये मुझे रेंट पे लेनी है मोहसिन तो इसका कितना मुझे रेंट देना होगा? तो फरारी का होता है 3,500 to 4,000 डिपेंडिंग अपॉन द कार्स। ओके, और लग्जरी गाड़ी का दूसरा दूसरा रेट है 3,000 to 4,000 फॉर वन डे 24 आवर्स हाँ। और क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का डिफरेंट डिफरेंट रेंट होता है। अगर रोल्स रॉयस का जानना चाहते तो इससे भी थोड़ा ज्यादा है। okay. अगर वो कैडिलैक एस्केलेड एसयूवी, स्पोर्ट कार्स, लग्जरी कार्स, लो जो रेंट है वो किसका है, वो किस कार का? इधर पीपल ऑफ फेट में चीपेस्ट गाड़ी है, चीपेस्ट मतलब रेट में चीपेस्ट है गाड़ी लग्जरी है वो है निसान पेट्रोल। ओके, तो 700 dirhams है, 700 स्टार्टिंग रेट है हमारा। इफ इन केस कुछ मिस हैपनिंग हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया या गाड़ी में स्क्रैच लग गए, तो उस सिनेरियो में आप कैसे हेल्प करते हैं? कोई डरने की बात नहीं, यही सेम प्रोसेस है, तो वो हमको इन्फॉर्म करना है, पुलिस रिपोर्ट बनाना है, वो भी पुलिस रिपोर्ट करना नहीं आता है तो हम उसको कम्प्लीटली सपोर्ट करेगा, पुलिस रिपोर्ट हम बना के देता है। अच्छा, और इंश्योरेंस रहता है उसमें CDW, अगर उसको चाहिए 100% क्लाइम चाहिए तो CDW भी ले सकता है। व्हाट इज CDW? तो एक एक दिन के लिए इंश्योरेंस होता है, वो 100% क्लाइम होता है 100%। फॉर एग्जाम्पल ये अलॉय व्हील स्क्रैच हो जाता है तो सब कुछ क्लेम हो जाता है, उसमें कोई पेमेंट नहीं है। CDW आता है 500-600, मैक्सिमम 800 तक आता है लग्जरी गाड़ी के लिए, सेफ्टी के लिए। इट्स वेरी गुड टू हैव दैट इंश्योरेंस। एग्जैक्टली, उसके बाद अगर कुछ होता है तो वो सारा इंश्योरेंस के थ्रू आप कवर कर सकते हैं। तो मोहसिन, मैंने ये कार रेंट पे लिया, अभी इतनी खूबसूरत लग्जरी गाड़ी है, कोई इसको लेके भाग गया तो फिर उस केस में क्या? हबीबी, ये दुबई है, ये दुबई में हो ही नहीं सकता है। So, हबीबी, 100% सेफ जगह है। This is okay? Dubai and everything is safe in Dubai. Exactly. तो मोहसिन, देखिए सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको दे दिए, लाइसेंस, एवरीथिंग पे भी कर दिया। Exactly. Where is my car now? Okay, let's go. You drive your super car. Okay. Hi Farah, your Lamborghini STO is ready to drive. Oh my God, this is my car? Yes, yes. This enjoy is your so car. Amazing, it looks stunning. Yes, all we have is brand new. Amazing. Because we value our client, whatever Super. They pay. Here is your key, please. Thank you so much. Yes. I was not expecting ki mujhe itni shandar car as a rent exactly. pe mauka milega chalane ka. So, here we go. Yes. हसीन, ये वही कार है क्या जो शाहरुख खान ने खरीदी है फिलहाल? यस, ये है हमारा मोस्ट एक्सपेंसिव कार। ओके, रोल्स रॉयस फैंटम गोल्ड। ओ वाओ, प्लीज हैव अ लुक अराउंड दिस, कैन ओपन द डोर प्लीज। वाओ, ओ माय गॉड, इट्स अल्टीमेट लग्जरी। वाओ,
पूरा गोल्ड है। सुपर। सो गाइज, इट लुक्स लाइक ड्रीम कम ट्रू। आई एम सिटिंग इनसाइड द रॉयल्स रॉयस फैंटम गोल्ड, और ये जो रॉयल्स रॉयस की मोस्ट एक्सपेंसिव कार है, और वन एंड ओनली शाहरुख खान ने भी ये कार ली है। तो अभी राइट नाउ आई एम फीलिंग लाइक अ सेलिब्रिटी। और देखिए, इसकी जो खूबसूरती है कार की, उसको बयां करना बड़ा मुश्किल है। ये आप देखिए, की भी देखिए इसकी, इतनी खूबसूरत है ये। देखिए, ये भी आप कार यहाँ से पीपल ऑफ फेट से रेंट पर ले सकते हैं। ब्रांड न्यू कार है यहाँ पर, और जो जो भी इसको रेंट पर लेगा, वो दुबई की सड़कों पर जब निकलेगा, तो वो जो एक रॉयल और एक जो लग्जरी फील जो होता है, वो इस कार में एकदम शानदार वो फील करेगा। ओनली ब्रांड न्यू कार हम रेंट करते हैं, ओनली यू कैन फाइंड इन पीपल ऑफ फेट जी क्लास, जो कि ज्यादा से ज्यादा हमारे दुबई लोकल्स पसंद करता है जी क्लास। रेंज रोवर। सो गाइज, इस ब्लॉग में हमने सारे वो पॉइंट्स कवर किए जो लोगों को जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि अगर दुबई में लग्जरी गाड़ी रेंट पे लेनी है तो क्या क्या ऑप्शन है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने इस व्लॉग में कवर किए। आई होप कि ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू रेंट अ कार इन दुबई, सो यू कैन विजिट पीपल ऑफ फेट की जो वेबसाइट है, वहाँ पर जा सकते हैं, और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो वेबसाइट पे जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड इट्स अ वेरी रिलायबल कंपनी। यहाँ पर किसी भी तरह का जो फ्रॉड है या विजिटर्स के साथ धोखाधड़ी जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। एंड थैंक यू सो मच मोहसिन, आपने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। यू आर मोस्ट वेलकम। योर वेबसाइट में सारी टर्म्स एंड कंडीशन चेक कर सकते हैं। एंड हबीबी, एंजॉय योर राइड इन दुबई।